देख सकते हैं कि मशीन जो है उसे उठाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसे अब ट्रक पर रखा जाएगा और ट्रक पर रखने के बाद की सूरत आपको पता है, ये पोजेशन में चले जाएगी मेयर साहब के। मेयर साहब तो आज बहुत अमीर हो गए हैं, इतनी मशीनें उनके पास चले गई हैं। तो मुझे ये बताएं कि कैसे पॉसिबल है कि वो ये सारी उम्र ना दें, पास रखें? नहीं, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ना उनकी पर्सनल की प्रॉपर्टी है, बल्कि उनकी बल्कि बहुत सख्त किस्म के डायरेक्शन है कि हम लोग अगर मशीनें उठाएं तो उसको वापस ना करें और इनको इतनी बुरी तरह फेंके कि इसके चार पांच हिस्से फेंकते फेंकते हो जाए, ये काबिल इस्तेमाल ही ना रहे। आप बल्दिया उज़्मा के पास, मुझे पता चला है मेयर साहब के पास एक हेलीकॉप्टर है, मुझे पता चला है, ज़ाती इत्तला मेरी, ठीक है। उस हेलीकॉप्टर पर वो हवा में जाके साथ मशीन बांध के बंजर और वीरान इलाके में क्यों नहीं फेंकते? हेलीकॉप्टर का तो मुझे अंदाजा नहीं है, वो मेयर साहब को ही पता होगा, लेकिन सेहत उनकी कैसी है अब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। बड़े दिलेर आदमी है और बड़े सियासी वर्कर हैं पुराने। अच्छा चौहान साहब, इसके चार चार टोटे कैसे हो सकते हैं मशीन के? मैडम साहब ने बताया रिजाइन करने के बाद होंगे। जब मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा ना, किसका इस्तीफा चाहिए आपको? फिर मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। जो चीज़ मेरे इख्तियार में नहीं होगी वो मैं नहीं करूंगा, जो मेरे इख्तियार में होगी। आप दोनों अफसरों की बड़े अफसर हैं, आप लोगों से लोग डरते हैं, जहाँ से गुजरे लोग ठहिए अपने उठाना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, एक सरसराहट सी जिसम में उनके तारी हो जाती है कि चौहान साहब गुजर रहे हैं या मैडम साहब गुजर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि आप दोनों अफसर ये पॉसिबल बना सकते हैं कि सारे इदारे जॉइंट वेंचर के तौर पर मिल बैठें, एक दूसरे को खतूत का तबादला हो, एक अच्छा सा डाकिया रखें और उसमें लिखा हो कि हमने सनम को खत लिखा और वो सारे इदारे सनम के खत के चक्कर में मशीनें पैक करने पहुंच जाएं, क्या हर जाए? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोऑर्डिनेशन महकमे को हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो फिर आप नुकसान देख लें? नुकसान वो देखें जी, तीन तीन मशीनें इस वक्त आपको बल्दिया उज़्मा के ट्रक्स पर नज़र आएगी और ये बड़ी खूबसूरत शाम है, शाम ढल रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस शाम अहम तरीन सूरत हाल ये है कि मिनी पेट्रोल पम्प्स का खात्मे का सिलसिला और उनके खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। सिद्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप दोनों अफसरान जो हैं हमारे साथ तशरीफ़ लाइए, कुछ लोग जो यहाँ के हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट आपको करवाएँ ताकि उनको उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको हम दिखा सकें कि सूरत हाल जो है वो क्या है। इनफैक्ट अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया लगा, ठीक ठाक। आपके हमसाये में ये इलीगल कारोबार होता है, मशीन है, इसके अलावा पेट्रोल है, आग लग सकती है, आतिशबाजी हो सकती है, इस सूरत में ये देखें मासूम मासूम बच्चे छोटे छोटे सारे शैतान दिया टूटियाँ। हाँ तो इसी तरह ना बच्चे, अब जहाँ पे होता है बच्चे आ जाते हैं सारे। क्या आपको पता है कि इससे आग लग सकती है? हाँ जी बिल्कुल लग सकती है। आपने कभी कंप्लेन नहीं की कि यार ये कारोबार इधर ना करे? काफी दफा आया है, मतलब कंप्लेन करती है, मतलब फिर ऑन हो जाता है, ऐसे ही होता है। कितनी दफा इनकी मशीन उठाई गई है? पहले एक दो दफा उठाई गई है, दोबारा आ जाती है। हाँ जी, इसी दुकान में? इसी दुकान में। कोई प्रॉफिट इनका ज्यादा है या क्या चक्कर है? ये तो नहीं पता हमें कितना प्रॉफिट है, क्या हिसाब किताब है इनका। आपको पता है जी इधर क्या हो रहा था? कोई अंदाजा है किसी को? किसी को कुछ नहीं पता? आपको पता है जी? हाँ जी। क्या हो रहा था उधर? 85-95 रुपए कुछ लीटर पेट्रोल है, इधर इन्होंने 98 रुपए और कुछ पैसे पेट्रोल बनाया हुआ है। यहाँ महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं? जी। और घरों के करीब पेट्रोल पंप तो नहीं बना सकते आप? नहीं, ये इलीगल है ना। हाँ जी। आप लोग जब बड़े होंगे तो कोई इलीगल काम तो नहीं करेंगे? वादा करें? वादा। ईमानदारी से काम करेंगे? लगता नहीं वैसे मैनु, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये वो बच्चे हैं कि जुगनू को दिन में परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यहाँ जी ये जो इनके हमसाये हैं वो कहते हैं कि हमें भी पता है, दो दफ़ा पहले भी मशीन उठाई जा चुकी है, लेकिन ये बरसों से कारोबार कर रहे हैं, अरसा दराज से कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि सब महकमों को ना सिर्फ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा जो तजवीज़ हम दे रहे हैं, और दूसरा आपको कंटिन्यूसली इसमें फॉलोअप करना पड़ेगा। नहीं, मीडिया की ये जो है ना, ये जो एफर्ट्स है ना, ये जो है ना, आ जाते हैं, हमें भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं, हम भी पीछे नहीं हटते। सिविल डिफेंस, क्या हाल है आपके? शुक्रिया, कैसी है? शुक्र लगा। क्या पूरा नाम है आपका? फजल हुसैन। आप ठीक है? शुक्र लगा। से मुझे ये बताएं जी जी, ये फॉलो अप नहीं किए जाते, क्या वजह है? सर हम इनके चलान हमने किए हैं, FIR हमने इनके दर्ज कराई हुई है, और रिसेंटली भी दो दिन में हमने चलान किया। ये जो बंद किया इसकी FIR की आपने? इनके चलान किया हुआ हमने। आज कुछ नहीं किया? आज भैया मीटिंग थी हमारी, अभी फारग हो गई थे, जा रहे हैं हम आपके पास। कितनी FIR आप कर चुके हैं? लाहौर में मिनी पेट्रोल पंप हैं कितने? इस डिवीजन में काफी टाउन, जो वाघा टाउन, अजीज भाई टाउन में। अच्छा,
अजीब डाउन हमने कल पांच चनाल की कल आपके इख्तियार में क्या क्या चीजें आती हैं जब आप पेट्रोल पंप देखते हैं तो आपने उसको प्रोसिक्यूशन आपके इख्तियार में आती है आपने प्रोसिक्यूट उसे करना होता है जी, जी, उसे इन प्रिजन करवाना होता है चालान पेश करते हैं एफआईआर कटवाते हैं इसके अलावा क्या इख्तियार है सील एटीएम वाले सील कर सकते हैं हमसे चालान कर सकते हैं मैडम साहब को जानते हैं आप नहीं सिद्रा खान साहब जेड ओ आर है अच्छा ठीक है इन साहब को जानते हैं आप ये अजीम तरीन शख्सियत है एशिया की अजीम तरीन शख्सियत है आप इस अगर इनकी अजमत को नहीं जानते तो आपकी दर्जा कबूलियत कैसे होगा इबादत का मैं तो ये सोच के हैरान हूँ इसमें गरामी ये चौहान साहब है वहीद चौहान इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट अब आप वेट एंड मेजरमेंट को जानते हैं जी जी मैडम साहिबा को जानते हैं और आप खुद सिविल डिफेंस से हैं जी जी तो तीन इदारे तो एक जगह इकट्ठे हैं जी जी लेकिन ये तीन इदारे आपस में क्यों इकट्ठे नहीं है इदारे तो हम जब भी इंस्पेक्शन करते हैं हम ज्वाइंट करते हैं जब भी सील करनी होती है हम ज्वाइंट होकर सील करते हैं ज्वाइंट होती है जी सील पिछली दफ़ा वो आपके जो इंचार्ज उधर बैठ रहे हैं उधर आउट ऑफ रोड में हाँ हाँ मैंने उनके साथ किया था प्रेशर मैंने किया था हाँ कल तीन चार दिन हो जब हुआ था अच्छा जी जी फिर जी फिर ज्वाइंट वेंचर वो कहते हैं ज्वाइंट वेंचर होता है ठीक है कर लेते हैं सर जी हमें कोई नहीं इतराज़ है ना हमें कोई इतराज नहीं है ज्वाइंट कर लेते हैं बात इतराज़ की नहीं है बात मेरे इतराज़ की नहीं है बात यह है कि आप जब इससे रिलेटेड सारे इदारे इकट्ठे हैं तो आप जब मिल के इकट्ठी कार्रवाई करेंगी तो मैडम साहिबा इस प्रोग्राम में पहले लम्हे से कह रही हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है बाकी इदारों की भी है आप मुमकिन है अपना काम बहुत अच्छा करते हो लें जी आपके अपने काम के आपको 90 नंबर दे देते हैं ठीक है लेकिन वो अकेले 90 और सारे मिल के 90 बड़ा फ़र्क है ऐसा ही है ऐसे तो क्या कोई लेटर लूटर प्रेम पत्र लिखें एक दूसरे को कोई मोहब्बत नामे महकमों को लिखें एक दूसरे को हैं कोऑर्डिनेशन करें क्या ख्याल है जी 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 कोऑर्डिनेशन करते हैं कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हालात बेहतर हो गए आप साहब मेरे साहब के पास चाय पीने चले जाएं उनको खाने पे बुलाएं देसी कुकड़ खिलाएं उनकी तबीयत भी ठीक हो ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो नौजवान वो पहले ही है क्या ख्याल है नहीं ठीक है ये आपका मशवरा जो है ना मैं आज रात को जाके सोचूंगा ना कि क्या करना है इस इशू पे अथॉरिटीज़ को लिख देते हैं अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप बड़े होने की आप बड़े होने की वजह से आपका इदारा बड़ा भी है आपके मेयर भी हैं खा वो पता नहीं कितने दिन और रहते हैं ये तो पता नहीं है क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ करने जा रही है अल्लाह जाने क्या करने जा रही है वो तो सियासी मामलात हैं आपको ये कह रहा हमारी जिम्मेदारी तो है आप ये कीजिए कि बड़े इदारे और बड़ा भाई होने के नाते आप इन सारे इदारों को लेटर्स लिखिए आप सिविल डिफेंस को लिखिए वेट एंड मेयर को लिखिए आप ओगरा को लिखिए और कौन सा रह गया जी देखो जी इलाका ये डिसाइड कर लिया करें अपनी मर्जी से सिर्फ एक कॉल कर दे आप आ जाए इलाका ना बताए हमें कि ये वहाँ पे ऑपरेशन करना है ये अपने बंदे भेजे वहाँ पे एक काम और करें हाँ एक काम और करें आप इस तरह करें कि आप ये कर सकते हैं कि वहाँ एक जनरलाइज आप ड्यूटी अफसर रखें जो हर जगह लाहौर में चल जाए टीम ही वो रखें जो ऑनेस्ट लोगों पर मुश्तमिल है जहाँ से आपको कंप्लेन का अंदेशा ही नहीं है आप जब स्क्रूटनी करें तो मैडम साहब का इदारा जब सबको लेटर लिखे मेयर साहब की क्यादत में हो जाए जिसकी मर्जी क्यादत में हो जाए तो ये तजवीज़ उधर फ्लोट लाजमी करें कि एक टीम ऐसी जनरलाइज बन जाए जो हर जगह छापा मारने का इख्तियार रखती हो वो जब जॉइंट वेंचर है GIT टाइप काम है तो हर जगह जब जॉइंट वेंचर वो करेगी और वो जाएगी तो आपको फिर हर बंदे को कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा हर बंदे को कहना नहीं पड़ेगा और ऑनेस्टी का मैयर भी पता होगा महकमे ने खुद कहा होगा कि ये हमारे सिद्रा साहब ऑनेस्ट हैं चौहान साहब ऑनेस्ट हैं मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ मुझे पता है आप लोग ऑनेस्ट हैं लेकिन मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मफरूजे पे इस वक्त चल रही हैं और हजरत साहब भी ऑनेस्ट हैं ये भी फ़र्ज़ कर रहे हैं तो इस मफरूजे को अगर आगे बढ़ाएं तो ठीक है जी ठीक है मैं तो एक रीड हूँ आपसे फिर ये गुंजाइश नहीं रह जाएगी अगर सब काम करेंगे कि काम नहीं हुआ कोई किसी के कंधों पे नहीं डालेगा जब पांच मिलके काम करेंगे देन वो एक से बेहतर है वो GIT या जो भी बनेगी टीम वो उसकी जवाब दे इन दिनों मेयर साहब हुकूमत बचाएंगे अपनी या लाहौर के मिनी पेट्रोल पंप सील करवाएंगे मेरा जहाँ तक ख्याल है उस इस वक्त उन्हें लाहौर की ज्यादा फिक्र है उन्हें अपनी फिक्र नहीं है एक वक्त था सिर्फ अपना एक मोटिव है कि मुझे एक वक्त था उन्हें पैनामा की फिक्र ज्यादा हो गई थी ये मुझे नहीं पता लाहौर के मसाइल छोड़ के वो मियां बरादरान के पीछे नजर आते थे हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है वैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ नहीं मेरे ख्याल से कि उनको इस चीज़ की ज्यादा फिक्र अपनी सीट से ज्यादा वो हमें मीटिंग्स में भी कहते हैं कि आप लोगों को मैं कुछ सिखा के जाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कुछ बता के जाना चाहता हूँ आप लोग ऐसा काम करें कि आपकी एक पहचान बने मेयर साहब का जाना कहीं ठहर तो नहीं गया ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन हम मेरा ख्याल है कि वो अपने से ज्यादा लाहौर की फिक्र करते हैं अच्छा अपनी सीट से ज्यादा उनको इसकी फिक्र है कि हम कुछ कर जाएं हमारा कोई नाम हो हम कोई अच्छा काम कर जाएं ठीक है
कैसी तजवीज़ है जी, इसमें कैसा काम कर सकते हैं आप, क्या प्रपोजल देते हैं? आपने वीएन के मुताबिक क्योंकि सारी उम्र आपने फील्ड में गुजारी, आपके अच्छा खासा तजर्बा है, सर्विस में कितनी देर होगी आप? हाँ जी, सर्विस को कितनी देर होगी आप? 40 साल हो गए। 40 साल देखें आप एक्सपीरियंस लोगों का, और चौहान साहब अभी नौजवान है, एज इनकी मैं नहीं पूछूंगा, और ये नौजवान शख्सियत है, एज मैंने बतानी भी नहीं, हिम्मत हो इंसान एज बचाई जा सकती है, नहीं हौसला इरादा हो हिम्मत हो तो उम्र बचाई भी जा सकती है, जा सकते है ना जी? जी जी। तो क्या सर 40 साल आपने इधर गुजारे, प्रोसिक्यूशन की आपने, सारा कुछ किया, ज्वाइंट वेंचर करें तो आप ऐसा प्यारा फंसाएंगे, ये लोग जब्त कर लिया करेंगे, आप FIR करवा दिया करेंगे, ये क्या कर सकते हैं जी मजीद सील करने के अलावा? हम तो इनके चलान भेज दिया करेंगे, ये भी चलान भेजते हैं, हम भी चलान भेज, एक वक्त में चार चार पांच पांच चलान आप इकट्ठे सबमिट करवाएंगे तो अगले का कमर टूट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा, अपनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी ना इत्तफाकी की वजह से दाड़ियां कौन लगा रहा है? नहीं नहीं ना इत्तफाकी नहीं है, पुलिस ले साथ, ना इत्तफाकी नहीं है जनाब, हम अभी अभी रिसेंटली तमाम महकमे जो है ना वो एक्टिव है, उनको सपत है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि 10-12 दिन हो गए हैं, मैं दो मंडियां, एक ये बदामी बाग वाली, एक वो इकबाल डाउन वाली, मैं उनको अपडेट कर रहा हूँ स्टाफ के साथ, 10-12 दिन हो गए, वहाँ पे किसी वक्त भी मिनिस्टर साहब का, मंडियां सारी ट्विटर पे तो नहीं कर दी सर, ट्विटर फेसबुक पे तो नहीं कर दी, वो चेक होने वाली है मंडियां ना, आप ये देखे कि खाली एक ही काम नहीं है, जिस इलाके में जिस इंस्पेक्टर के पास मंडियां आएंगी ना उसने उसको अपडेट करना है। अच्छा अपडेट करना है। ले जी कोई आखिरी पैगाम जो आप इन सारे इदारों के नाम दे सकें। सब मिलके काम करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना मिलके काम कैसे करेंगे जब आप बुलाएंगे नहीं, टेबल पे नहीं बिठाएंगे? हम लोग जो कर सकते हैं मैं अपनी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देती हूँ, लेटर लिखवा देते हैं, सबको ज्वाइंट होने की जरूरत है। आप फर्ज करें आज जाती हैं कल ऑफिस जाती हैं, अब मेरे साहब बड़े मेहमान नवाज हैं, चाय बड़ी अच्छी पिलाते हैं जब भी उनके पास जाते हैं, अब आप उनके पास जाती हैं कि सर बड़ी जरूरी बात करनी है, उन्हें कहना कुड़िए दस ठीक हो गया, आप उन्हें बताती हैं उन्हें कहना कुड़िए छठ पड़ा कि चक्कर से पै गई, अभी भी ये नहीं कहेंगे तो फिर क्या करेंगी? वो मैं उन्हें अगर कहती हूँ वो देखेंगे भी कि अगर तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखना है वो लिखेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे सबको, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। आप उन्हें बता पाएंगी कि इतने इसके सम्राट कितने हैं, अगर सबको आप इकट्ठा करेंगे और उनका कद कितना बढ़ जाएगा? वो ऑलरेडी पहले हाइट उनकी अच्छी है, नहीं वो ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं और वो काम करना भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया सिविल डिफेंस की तरफ से, और सूरत हाल ये है कि जॉइंट वेंचर की जरूरत है, सारे इदारे अगर ज्वाइंट वेंचर नहीं करेंगे तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, और एक वक्त में चार चार पांच पांच इदारे अगर नोटिस सर्व करेंगे तो इलीगल करने वालों का कलाकामा भी होगा, बिहाइंड दी बार्स भी नजर आएंगे, और सारे की सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर साहब की भी है कि वो सारे इदारों को साथ लेकर चलें, और हाकमे वक्त की भी इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो सारे डायरेक्शंस को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए डायरेक्शंस दें। फाज शहबाज खान को फतेहगढ़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।